यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारे पहले वाले वीडियो में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, एंड वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, दैट वाज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, डाइजेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इंटू सिंपलर सब्सटेंस, एब्जॉर्प्शन द डाइजेस्टेड फूड पासेज इंटू ब्लड वेसल्स, एसिमिलेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्जॉर्ब सब्सटेंस टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी टू बी यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडीज कॉल्ड एसिमिलेशन, एंड लास्ट वन वॉज इजेशन। इजेशन मीन्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल बॉडी से बाहर निकाला जाता है, दैट इज़ नोन एज इजेशन और डिफिकेशन। वेस्ट फूड लेफ्ट आफ्टर डाइजेशन, और जो फूड बचता है वेस्ट डाइजेशन के बाद, दैट इज़ नोन एज फेशियस। नाउ वी विल डिस्कस हेयर अबाउट न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। वॉट इज यूनिसेल्युलर? यूनिसेल्युलर मीन्स ऑर्गेनिज्म विच आर मेड बाय ओनली सिंगल सेल, विच परफॉर्म देयर ऑल फंक्शंस बाय सिंगल सेल ओनली। तो अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन ओनली बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। इट हैज़ एन इररेगुलर शेप एंड कंसिस्ट ऑफ अ सेल मैम्ब्रेन। इररेगुलर शेप होती है इसकी, और इसके चारों तरफ क्या होता है, सेल मैम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल्स। इट चेंजेज इट शेप एंड गिव्स आउट अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। इसकी जो बाहर की आउटर ग्रोथ है उसके ऊपर छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज नोन एज स्यूडोपोडिया, एंड दैट हेल्प्स टू इनगट द फूड पार्टिकल्स एंड पुल इट इनसाइड द बॉडी। ये क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर डाल देते हैं। द फूड पार्टिकल इज देन डाइजेस्टेड बाय फूड वैक्यूल्स यूजिंग डाइजेस्टिव जूसेस। और जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं फूड वैक्यूल्स में जाकर, डाइजेस्टिव जूस उसको क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। अब डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होगा एंड असिमिलेटेड, एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। और अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो दिस वन इज द पिक्चर ऑफ अमीबा, दिस इज अ फूड एंड दीज आर द स्यूडोपोडिया। पहले ये क्या करेगा, ये क्या कर लिया, स्यूडोपोडिया ने इसको कैप्चर किया, इंगल्फ किया और इसको अंदर डाल दिया, और यहाँ पर आकर क्या बन गया, डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, फूड वैक्यूल्स में ये स्टोर हो गया, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो गया इसका, और लास्ट में क्या हुआ, वेस्ट इजेस्टेड आफ्टर डाइजेशन। तो दिस इज द फीडिंग प्रोसेस प्रेजेंट इन अमीबा। अब है हमारा न्यूट्रिशन इन मल्टीसेल्युलर एनिमल्स। मल्टीसेल्युलर मींस मेड बाय मोर देन वन सेल। ऑर्गेनिज्म विच आर मेड बाय मोर देन वन सेल इज नोन एज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन्स इज वेल डेवलप्ड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इट कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल अलॉन्ग विथ सेवरल ग्लैंड्स, सेवरल ग्लैंड्स लाइक लिवर, सेलिवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियास। एलिमेंट्री कैनाल और गट कंप्राइजेज ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेशन। देखिए, डाइजेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम हेयर। कहाँ से स्टार्ट होता है, ये माउथ से। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपकी, सेलिवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट्स सलाइवा। दिस वन इज द फूड पाइप दैट इज ऑल्सो नोन एज ईसोफेगस, एंड द अपर पार्ट यू शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टमक, देन आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। लिवर एंड पेनक्रियाज आर सिचुएटेड हेयर। तो दीज आर द डाइजेस्टिव ट्रैक अलॉन्ग विद associated glands like liver, pancreas and salivary glands. Now mouth, food is ingested through the mouth. The mouth contain teeth, tongue and salivary glands. Teeth break the food into smaller particles. This process is called
Mastication. The chewed food is mixed with saliva, which is watery fluid secreted by salivary gland. Saliva क्या होता है? एक watery fluid जो food को liquid medium provide कराता है, और कौन secrete करता है उसको? Salivary glands. Then teeth. Teeth are the hard structure held in sockets of the jaw. They help cut, tear and grind food before we swallow it. There are four type of teeth. First one is incisor. Next one is canine. Third one is premolar. And last one is molar. Each type of teeth have different functions and different numbers. The four flat front teeth in each jaw are incisor and they are also known as biting teeth. Next one is canine. The two sharp pointed teeth each jaw that lie on either side of incisors are canines. They are also called tearing teeth. क्या करते हैं? Tear करने का, चीर फाड़ करने का काम करते हैं. Then after premolars. Four teeth of either sides of the canine in each jaw that help to chew and grind the food are called premolars. Then molar. Six large and broad back teeth on either sides of premolar in each jaw that help to chew and grind food are called molars. Thus each jaw has 16 teeth. There are 32 permanent teeth in mouth with different shapes and different function. In young people there are only 8 molar teeth. The other 4 molar develop at the age of 18 or later and are called wisdom teeth. बाद में निकलते हैं ये वाले. Starting में जो क्या होते हैं? 8 molar होते हैं और बाद में क्या निकलते हैं? 4. Human have 2 sets of teeth in teeth during their lifetime. पूरी lifetime के दौरान 2 sets होते हैं. जब बच्चा पैदा होता है उसके 6 महीने बाद जो teeth निकलने start होते हैं, that is known as temporary teeth or milky teeth. The first set of teeth are called temporary teeth or milky teeth and are 20 in numbers. Around the age of 6, milk teeth start falling and get replaced by permanent teeth. Another organ which is present in mouth is tongue. It is a fleshy muscular organ present in mouth. It is covered with a mucous membrane and help us to detect different taste. It means tongue have different taste buds which detects the different taste such as sweet, sour, salty and bitter due to taste buds present on its surface. Tongue perform many functions like tasting of food, mastication of food, swallowing and speaking. Another organ is salivary glands. They continuously secrete saliva. The primary function of saliva is make the food moist. क्या करता है? खाने को नरम बनाता है. फिर है हमारा next process which comes after ingestion is digestion. Mouth, stomach and small intestine are involved in the process of digestion. Digestion begin in mouths. Obviously saliva that is secreted by salivary glands contains salivary amylase. Amylase is an enzyme that breaks down the starch. जो क्या करता है? स्टार्च को तोड़ता है. Present in food. जो food में होता है. From mouth, the food passes through the esophagus. Mouth से होता हुआ food कहाँ जाता है? Esophagus में. That is also known as food pipe. Into stomach. और कहाँ पहुँच जाता है? Stomach में. Wall of esophagus relax and constrict repeatedly. और जो इसकी wall होती है esophagus की, वो continuously relax और सिकुड़ती रहती है और फैलती रहती है. Regular relaxation and contraction of walls that helps in movement of food particles. ये food particles के movement में help करता है. That particular movement is known as peristalsis or peristalytic movement. No digestion take place in esophagus. Esophagus में किसी तरीके का कोई digestion नहीं होता. Another organ which comes after esophagus is stomach. Stomach is a U-shaped muscular organ present in upper abdomen. Inner wall of stomach secrete digestive juices. So inner wall यानी अंदर की wall होती है stomach की, वो क्या करती है? Digestive juices secrete करती है. Mucus और hydrochloric acid, ये चीज़ों तीनों चीज़ें क्या करती है? Secrete. Digestive juices break down proteins. Digestive juices क्या करते हैं? Proteins को simpler substance में convert करते हैं. And hydrochloric acid kills bacteria in food. और hydrochloric acid क्या करता है? Bacteria को मारता है. And provides an acidic medium for digestion to take place. और acidic medium provide कराता है food को. Mucus protects the inner lining. और जो mucus होती है वो inner lining को क्या करती है? Protect करती है.
स्टमक की फ्रॉम द डैमेजिंग एक्शन ऑफ एसिड एंड एंजाइम. एसिड और एंजाइम से होने वाले डैमेज करने वाले एक्शन से प्रोटेक्ट करता है कौन? म्यूकस. फूड इज नाउ पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज इन फॉर्म ऑफ थिक सूप. अब ये थोड़ा सा थिक की फॉर्म में आ जाता है क्या हमारा फूड. अब क्या आता है नेक्स्ट? पार्शली डाइजेस्टेड फूड गोज. अब पार्शली ये पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये कहाँ जाता है? हाईली कॉइल्ड, बहुत ही मुड़ी हुई एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में जाता है जिसको बोलते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन, विच इज 7.5 मीटर लॉन्ग अप्रॉक्सीमेटली. द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस एंड लिवर विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी सीक्रेट्स बाइल जूस. क्या करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट फैट्स. किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है. एंड द पेनक्रियास सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूसेस. और पेनक्रियास क्या सीक्रेट करता है? पेनक्रियाटिक जूसेस दैट ब्रेक्स डाउन. जो क्या तोड़ता है? कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में एंड प्रोटीन को अमीनो एसिड में. डाइजेशन इज कम्प्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. अप्रॉक्सीमेटली डाइजेशन कम्प्लीट हो जाता है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी विच सीक्रेट बाइल जूस एंड बाइल स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन आर नेक्स्ट वीडियो विच विल एब्जॉर्प्शन.